ग्वालियर में कल गिरवाई पर चलने वाली चॉकलेट फैक्ट्री में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज हमारी पड़ताल में कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। जब हमारे संवाददाता योगेश द्वारा फैक्ट्री में कवरेज की गई तो पाया गया किसी भी फैक्ट्री के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पे जो गिरवाई में चॉकलेट फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे सर कल क्या कार्रवाई की गई विभाग के द्वारा, कृपया इस विषय में बताएं। देखिए, आज आपके माध्यम से बात मेरे संज्ञान में आई और मुझे ऐसी जानकारी मिली है, कई सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी थी कि जहाँ पर अनियमितताएँ पाई गई। मैंने स्पष्ट तौर पर कलेक्टर साहब को ये कहा है कि इस प्रकार की जो भी घटना वहाँ हो रही है जिसमें मिलावटी पदार्थ पाए जा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो भी मिलावटखोर की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई। सर, हमें ऐसी वहाँ पर वीडियो प्राप्त हुई है जिसमें ये देखा गया है कि वहाँ पर बड़े ब्रांड की चॉकलेटों का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उनकी रैपरिंग की जा रही है। सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर यदि ऐसे कोई तथ्य आपके पास हैं तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सबसे पहले तो आप नाम पद बता दीजिए और क्या कार्रवाई कर रही है आपने? मेरा नाम गोविंद सरगैया, फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्वालियर। कौन किस जगह पर क्या कार्रवाई करी है आपने? ये महालक्ष्मी प्रोडक्ट पर दो सैंपल लिए गए, एक टॉफी का, एक बबलगम का। बबलगम का? आपने फैक्ट्री के अंदर का मुआयना करा है? किया है। क्या देखने में मिला आपको अंदर? ठीक है, साफ सफाई ठीक। साफ सफाई है? अच्छा, एक फॉर्म जो एक नियम है उसमें ये कहा गया है कि साहब जितनी भी जहाँ कोई भी फूड प्रोसेसिंग जो जगह है उस पर अगर कोई खिड़की है, कोई रोशनदान है तो उस पर मच्छर वाली जाली लगी होनी ज़रूरी होती है। क्या आपने देखी है यहाँ लगी हुई है? कौन सी जाली? मच्छर वाली जाली जिसमें मच्छर वगैरह अंदर ना जा सके, ऐसा नियम में है। आपने देखा है? यहीं मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जगह पे पुट्ठा लगा हुआ है। एक बार और मैं और आप कार्रवाई कर रहे थे साथ में जहाँ आइसक्रीम फैक्ट्री में, वहाँ पे इसी मुद्दे पे अपने लोगों की फिर भी बात हुई थी। नहीं, मेरे से मैंने कहाँ टीम आई हुई थी? कहाँ पर? फूड की टीम आई। नियम में है कि नहीं है आपको मालूम है? हाँ, होना चाहिए। है नियम में? हाँ। है कि नहीं है? है ना, है ना? तो फिर आपको यहाँ नहीं दिखाई दिया ये चीज़? फिर आपने उसके बाबत वो क्यों नहीं करी कार्रवाई? लिख आपने वो फॉर्म भरा है जो फॉर्म आपको दिया जाता है उसके लिए? जब फूड विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है तो मीडिया को कौन नहीं आने रहा? जब आप उनसे बोलो क्या मीडिया को जाने दे। जब आप मैंने तो बोला है, बोला ना, तो आप हाथ से चलो, आप हमें बताओ कहाँ गंदगी, हम खुद चेक करेंगे। सैंपल कैसे उठाए आपने? देवरिया जनपद के उमानगर मोहल्ले में आज रॉयल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग सेंटर की शाखा का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यातायात निरीक्षक रामवर्ष यादव ने शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर सेंटर का शुभारंभ किया। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम यहाँ पे रॉयल हेल्थ केयर सेंटर के अंदर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद के जरिए 200 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करेंगे। ठीक करने का सेंस ये है कि जो लोग बीमार हैं उनको भी ठीक करेंगे, जो लोग बीमार होना नहीं चाहते हैं, प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर मॉडल पे हम उनको भी हेल्दी रखेंगे। 100 साल हेल्दी रखने का हमारा मिशन है समाज को, तो अंग्रेजी दवाओं से भी छुटकारा देने पे हम काम करेंगे, जैसे डायबिटीज़ हुआ, अर्थराइटिस हुआ, लकवा हुआ, इन सब सर्वाइकल हुआ, लाइफ स्टाइल डिजीज़ को लेकर जो चीज़ें हैं उन सभी पर हम काम करने वाले हैं। और ये हेल्थ केयर सेंटर हमारे आसपास के पूरे एरिया में लोगों को हेल्दी रखेगा। और हम एक ऐसी मशीन के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे 15 मिनट की एक्सरसाइज करने से 200 से ज़्यादा बीमारियों में लाभ मिलेगा और 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर पूरी उसकी एक्सरसाइज होगी। और एक ऐसे इक्विपमेंट के साथ, एडवांस इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर के साथ हम लोगों की फ्री बॉडी टेस्टिंग आज हमने की है, आज इस ओपनिंग के दिन में, और इसका फिर हम एक चार्ज रखेंगे, वो चार्ज भी बता दिया जाएगा, जिसमें बिना खून की एक बूंद लिए। दिल्ली NCR गाजियाबाद के युवाओं के लिए एक खास मौका सामने आया है, जहां इस बार गाजियाबाद और नोएडा में फिल्म फायर के द्वारा एक डांस का आयोजन किया जा रहा है जो कि अब तक का सबसे बड़ा डांसिंग स्टेज होगा। गाजियाबाद में आज फिल्म फायर कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया कि अब तक के वो 13 प्रोग्राम कर चुके हैं जो कि सारे हिट रहे। इसके बाद अब एक और प्रोग्राम लेकर आए हैं।
सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। राजेंद्र कुमार, मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप जो प्रोग्राम डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? इसमें ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे दिल्ली और यूपी के ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ हमारे पास बहुत सारी जगह से हो चुके हैं, मेरठ से हो चुके हैं, गाजियाबाद से हो चुके हैं, आगरा से हुए हैं, बरेली से हुए हैं। अच्छा, एज क्राइटेरिया क्या है? इसमें दो तरह के एज क्राइटेरिया है, जूनियर्स के लिए और सीनियर्स के लिए। जूनियर का है 3 से लेकर 13 तक और सीनियर का है 13+। अच्छा, तो किस तरह का प्लेटफॉर्म आप देने जा रहे हैं इसमें? हम क्या है, बच्चे जो भी आगे इसमें फिनाले में जीतेंगे, आने वाली अपकमिंग वेब सीरीज़ में उनके लिए एज ए कोरियोग्राफर एज ए उनके लिए काम मिलेगा वहाँ पे, जिससे कि वो अपने आप को आगे जाके दिखा सकते हैं, शो करा सकते हैं। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। आनफान में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर, ये जो कंपनी में आग लगी है, कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है वृंदावन फूड। इसमें नुकसान कितना हुआ? इसमें नुकसान कुछ ज्यादा नहीं है। इनका ये जो भूसी होती है धान की, इसमें आग थी और तुरंत ही उस पर काबू पा लिया। इनका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। इसमें आग बुझाने के यंत्र क्या क्या मिल पड़ा? एक फायर एक्सटिंग्विशर इनके पास है, बाकी व्यवस्था नहीं। सर, क्या कारण रहा आग लगने का? अभी तो पता नहीं चल पाया, तो जांच का विषय बाद में पता चल पाएगा। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में मासूम बच्चे को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी जीआरपी ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। जीआरपी पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और पकड़े गए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। हनीफ है। कहाँ रहते हो? मैं संभल कर रहने वाला हूँ। बच्चे कहाँ से मिला था आपको? कहाँ से मिला था ये बच्चा? बच्चा के सुबह स्टेशन में मिला था मुझे, इसका छोड़ गया वो मुझे। कौन छोड़ गया? बोले तुम अपने बता दी लली। और तू इसका कल्याण जाएंगे हम लेके। अब कहाँ से मिल गया? हम कल्याण जाएंगे सुबह को। कहाँ छोड़ गया आपको? कहाँ छोड़ गया इसके बाप? हाँ, स्टेशन पे ही था आगे। तो आपने पुलिस को सूचना दी वहाँ? पुलिस को सूचना दी? तो हमने सोचा गे भी पलेगा, ऐसी गे पल जाएगा, बस बात खत्म हो गई। ले लिया आपने बस। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमी को चोर समझकर पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी और प्रेमिका की शादी करा दी।